गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम कर रहेंगे मीशो की अनबॉक्सिंग। सो मैंने ना मीशो से कुछ सामान मंगाया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आने में ना थोड़ा देर हो गया क्योंकि सब सामान साथ में नहीं आ रहा था, एक एक करके आ रहा था ना। तो मैंने ऑलरेडी पैकेट को खोल दिया है, पर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। एंड ऑल्सो I will mention the price and product along with picture. First thing, यहाँ में क्या है? Already मैंने पैकेट को खोला हुआ है। मैंने ना होम स्टफ ही मंगाया, किचन स्टफ। तो ये है पाइप फिक्स करने के लिए ना, कुछ ऐसा है ये। इसको ना पाइप में फिट करना है तो स्मूथ फ्लो होता है पानी का। इसका ना अमाउंट एंड पिक्चर दोनों मैं यहाँ पर मेंशन कर यहाँ पर डाल दूँगी। नेक्स्ट आप ये है क्यूटे, ये ना आइस क्यूब बनाने वाला आइस बनाने वाला है। तो ये क्यूब शेप में नहीं है, राउंड शेप में है। तो इधर में आपको पानी भराना है और इसको फ्रीज़र में रख देना है। यहाँ में ना हमको दो मिला था, तो एक को मैंने ऑलरेडी पानी डालकर फ्रीज़र में रख दिया। मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। ऊपर है ये वाटरमेलन को ना स्कूप करने के लिए, या कोई भी फ्रूट्स को स्कूप कर सकते हैं इससे। तो ये स्कूप करने के लिए। नेक्स्ट आप ये है ऑयल ब्रश, बेकिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो, और जब आप मोमो बनाते हो ना तो मोमो बर्तन में भी इससे ऑयल डाल सकते हो। इसमें ना मुझे चार पीस मिला था एक पिंक कलर में, तो उसको हमने ऑलरेडी यूज़ कर दिया है हमें। ये है, क्वालिटी भी अच्छा है इसका। तो एक को तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। फनल जस्ट ऊपर में ये ऐसे ही रखा हुआ था। एक बड़ा साइज में, तो ऑयल वगैरह ना आपको बोतल में ट्रांसफ़र करने के लिए इजी रहता है इससे। छोटा साइज़ में भी है, सो थ्री डिफरेंट साइज़ में आए हैं। क्वालिटी भी अच्छा है इसका ना। चार सामान साथ में आए हैं, तो चारों को साथ में दिखाती हूँ। तो ये चार सामान जो ना साथ में आए हैं, तो चारों प्रोडक्ट साथ में था। फर्स्ट ये है सिलिकॉन हेड मसाजर है, ये सारा ना सिलिकॉन का है। देखने में हार्श लग रहा है पर ये बहुत सॉफ्ट है। इसको ना हेयर वॉश करते वक्त या फिर ऑयलिंग करते वक्त आप यूज़ कर सकते हो। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, पर मैंने ना डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, तो ये नोज ब्रश स्क्रबर कुछ इस तरह से काम करता है। ऐसा पकड़ना है इसको और वॉश कर सकते हो। स्क्रबर है ये, सिलिकन का है भी। बॉडी ब्रश या फिर अपना अपने डॉगी पे भी यूज़ कर सकते हो नहाने के लिए। स्क्रबर है ये भी। एडजस्टेबल है ये, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हो। यहाँ में बटन है, ये एडजस्टेबल है। थैंक यू नोट भी आया है हमें। तो ये है आइस फेस मसाजर है। यहाँ पर ना
आप यहाँ से पानी डाल सकते हो, ओपनिंग है, यहाँ से पानी डालना है, इसको आइजर फ्रीजर में रखना है, आइस बनने देना है, उसके बाद आप इसको खोल के यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये है आइसक्रीम बनाने के लिए, तो समर है तो आइस बनाने के लिए ये दोनों ना साथ में मिलाने के। आई नॉर्मली ये ना मैंने यहाँ पर भी ट्राई किया था फ्रिज में, तो ये जहाँ पर आइस बनता है ना वहाँ में घुसता नहीं है, तो मैं देखती हूँ और कहीं फ्रिज में ट्राई करूँगी। सो दैट्स इट, यही था मेरा मीशो का परचेज। तो मैंने मीशो से फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, तो सोचा कि प्रोडक्ट को दिखा दूँ, एंड यहाँ पर भी मैंने कि पिक्चर के साथ प्राइस को मैंशन कर दिया है। एंड ना मैटर डिपेंड करता है ये टाइम टू टाइम कब, मतलब कभी ऑफर आता है कभी नहीं आता, पर मैं आपको बाद में ना वो जो आइस बना के रखा था ना मैंने वो दिखाती हूँ आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी आफ्टर फ्रीजिंग ऐसा हो गया है ये ना, लेकिन ढकते वक्त ना यहाँ से पानी लीक होता है, उसको बहुत संभाल के ढकना पड़ता है। पूरा जमने के बाद बहुत अच्छा हो गया है।